एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा, वन शॉट आप लोगों को फटाफट दिए जा रहे हैं ताकि आप लोगों का क्लास 12th फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 10 चैप्टर के ऑलरेडी वन शॉट मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, 1 से लेकर 10 तक चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी चैप्टर देखना है या किसी ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, भाई मैं सिंपली उसे बोलूँगा कि आप उस चैप्टर का नाम लिखो जो आप लोगों को पढ़ना है और पीछे मेरा नाम लिखो सुनील जांगड़ा, आपको चैप्टर के वन शॉट मिलेंगे। और बहुत बढ़िया तरीके से वो वन शॉट करवाए गए हैं, बिल्कुल NCERT बेस्ड हैं, आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी एंड बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है। तो आज बारी है मॉडर्न फिजिक्स की एंड मॉडर्न फिजिक्स में पहला चैप्टर आता है बेटा जी ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसको खत्म करेंगे वन शॉट के अंदर। क्लास 12th फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 11th है, आसान चैप्टर है, यहाँ से थ्योरी शुरू हो जाती है क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में थ्योरी है। और थ्योरी ये कोई ना मुश्किल वाली नहीं है कि यार मतलब समझ में ना आए, समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट होंगे एक से रिलेटेड दूसरे से रिलेटेड, ऐसे चलेंगे मतलब एक के बाद एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है। तो थ्योरी है जो वो आसान है, मतलब अलग सी नहीं है। कई बार होता है ना किसी चैप्टर में ऐसी थ्योरी होती है यार कोई कनेक्शन ही नहीं होता नेक्स्ट वाले पॉइंट से, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल बढ़िया थ्योरी है, मज़ा आ जाने वाले इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी आ रही है फिजिक्स के रिगार्डिंग तो आप सुनील जांगड़ा 26 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना, मैं बहुत जल्द रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मतलब ट्राई मैं यही करता हूँ यार कि बहुत जल्दी रिप्लाई कर दूँ, बाकी रिक्वेस्ट और मैसेज बहुत होते हैं फिर नंबर सबका आता रहता है, ठीक है। तो डोंट वरी, मैसेज कर देना, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई कर दूंगा, या कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में भी बता देना, मैं कमेंट भी पढ़ता और वहाँ भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो यार, तो स्टार्ट करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को वन शॉट के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से निपटाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए हम बात करेंगे भाई, चैप्टर का नाम जो है वो है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर देखें तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, हम इसमें दोगलापन पढ़ेंगे किसका, रेडिएशन एंड मैटर का, मतलब जिनके दो फेस होते हैं, दो चेहरे होते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे, मतलब रेडिएशन मतलब एक तरह से लाइट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो लाइट है वो किस तरीके से बिहेव करती है, वो बिहेव करेगी एज ए पार्टिकल एंड, और किस तरीके से बिहेव करती है एज ए वेव। तो वेव के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहाँ पे, वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट कल मैंने करवा दिया था तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें हमने देख लिया था कि जो YDSC था, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, हाइगन प्रिंसिपल पढ़ा था, ये सब क्या चीज़ें शो कर रहे थे, ये वेव नेचर को शो कर रहे थे। किसको शो कर रहे थे, ये वेव नेचर को शो कर रहे थे कि जो रेडिएशन है मतलब जो लाइट है वो एज ए वेव काम करती है, एज ए वेव बिहेव करती है, हम ये बोलेंगे नॉट काम, इट्स बिहेव करती है, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर में अभी ये देखेंगे कि जो लाइट है वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है, एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है, ठीक है। तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि क्या होगा, फोटोन, क्या होगा, फोटोन होगा। सो आगे थोड़ा डिटेल में जब जाएंगे तब इसको समझेंगे, अभी के लिए कि रेडिएशन के दो रूप पढ़ेंगे कि एज ए वेव जो कि हम ऑलरेडी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं, और पार्टिकल जो अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आप लोगों के पास मैटर, मतलब मैटर जो है वो भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि वो भी एज ए पार्टिकल एंड एंड वेव की तरह बिहेव करता है। तो बेटा सुनो ध्यान से, तो यहाँ पर ये तो सबको पता होता है, हमें छोटी क्लासेस से ही पता है कि जो हमारा मैटर होता है वो पार्टिकल से ही मिलके बनता है, तो ये तो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले। अच्छा, मैटर एज ए मतलब वेव की तरह बिहेव करता है या नहीं, मतलब जो मैटर है वो वेव को रेडिएट करते हैं या नहीं, वो चीज़ इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जो इसका एक्सपेरिमेंट है डेविसन एंड जर्मर, वो जो है सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये आप लोगों को थोड़ा सा मतलब रहेगा कि वो चीज़ हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि जो कोर्स में नहीं है, और अभी के टाइम पे हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, नई नई चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है, जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए ओके, तो सबसे पहले हमें पढ़नी होगी बेटा क्या, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में सबसे पहले आप लोगों को बताया गया कि जो लाइट है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है बेटा जी पार्टिकल्स से, ठीक है। और इन पार्टिकल को अगर हम बोलें तो आप इनको बोल सकते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, मतलब जो फोटोन हैं एक तरह से वो क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। समझ में आई ये चीज़, मतलब हम अगर ये मानेंगे कि लाइट एक पार्टिकल होता है, मतलब हम मान रहे हैं कि
लाइट जो वो क्या है, फोटोन है, मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी है। उसको अगर हम लाइट को पार्टिकल मान रहे हैं तो ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे क्या, क्वांटम थ्योरी को। तो सबसे पहले बेसिक को समझ लेते हैं कि फोटोन क्या होता है। देखो, तो जो प्लैंक्स थे उनके अकॉर्डिंग जो मतलब फोटोन है वो क्या चीज़ है उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। मतलब जो लाइट है उसकी बात कर रहे हैं, ईएम वेव जिसको हम लाइट बोल रहे हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, जिनको हम क्वांटा बोलते हैं। और इसी क्वांटा को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। मतलब सिंपल सी बात है भाई, पैकेट ऑफ एनर्जी उनको बोला जाता है फोटो। ये एक शेप आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके की शेप होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स है जो फोटोन है। अच्छा, ये चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है आप लोगों को, इतनी थ्योरी क्यों पढ़ाई जा रही है? देखो, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी मिलती है, मतलब 90% थ्योरी मिलती है, और क्वेश्चन भी थ्योरी के ऊपर आते हैं, तो कोई भी चीज़ हम लोगों को छोड़नी नहीं है। ठीक है, सुनो अब ध्यान से। तो यहाँ पे बोला है कि जो फोटोन है वो किसके साथ ट्रैवल करते हैं भाई, ए फोटोन ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये ट्रैवल करते हैं। ओके, मतलब स्पीड आप बता सकते हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दूसरा, फ्रिक्वेंसी ऑफ ए फोटोन डज नॉट चेंज एज इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कि जब फोटोन वन मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाता है, फोटोन किसी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फोटोन डज नॉट चेंज क्या, इसकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज विद एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तीसरा क्या है, द स्पीड ऑफ फोटोन्स चेंजेस एज इट ट्रेवल, मतलब स्पीड पे फर्क पड़ जाता है, स्पीड पे फर्क पड़ जाता है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ता है। इसकी भी बारे में हम बात करेंगे आगे, जब हम इसकी एनर्जी वेवलेंथ इन सब चीजों के बारे में के रिलेशन को पढ़ेंगे। तो जो स्पीड होती है फोटोन की वो चेंज हो जाती है जब वो अलग अलग मीडियम में जा रहा होता है। ठीक है, तो इसको पूरा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। द स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस एट इट ट्रेवल फ्रॉम ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट मीडिया ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। स्पीड में चेंज आ रहा है, देखो भाई हमें पता है कि जो सी का फॉर्मूला होता है वो फ्रीक्वेंसी लैम्डा होता है। अब फ्रीक्वेंसी में तो चेंज नहीं आ रहा है, ये तो इन्होंने पहले बोल दिया है। अब वो बोल रहा है कि स्पीड में चेंज आ रहा है, तो स्पीड में चेंज कब आ रहा होगा, इसका मतलब लैम्डा चेंज हो रहा होगा। तो मतलब दो बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी ही रखनी है जो इसके अंदर हमने डिस्कस कर ली है। अच्छा, फोर्थ में ये बता रहा है कि जो इसका रेस्ट मास होता है फोटोन का वो जीरो होता है, ए फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, मतलब फोटोन मूविंग होता है ना तभी कंसिडर किया जाता है, वो लाइट है चल रही है भाई, जहाँ लाइट मतलब जहाँ पे लाइट ही नहीं है तो उसका मतलब वहाँ पे क्या है ही नहीं है, फोटोन जीरो है वहाँ पे, तो रेस्ट मास जो होगा वो जीरो होगा एक तरीके से। ठीक है, अगर एनर्जी की बात करें फोटोन की तो वो किससे गिवन होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है वो एच फ्रिक्वेंसी से दी जाती है, और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सी बाय लैम्डा होती है भाई। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, एच फ्रिक्वेंसी, एंड फ्रिक्वेंसी इज व्हाट, फ्रिक्वेंसी इज सी बाय लैम्डा होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज सी बाय लैम्डा होती है। आई होप समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें आप लोगों को। ठीक है, चल आगे देखिएगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन की अगर हम बात करें तो मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, बट हम बोल चुके हैं कि जो फोटोन है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे सी लिख रहे हैं। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो हमने बोला कि जो इसकी ई होती है वो एच फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, एच फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी देखो सी भी लिखा था हमने, फ्रीक्वेंसी लैम्डा लिखा था, तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लो, यहां पे पुट करो तो एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन आप लोगों को लिखने होंगे। अच्छा, पी इज इक्वल टू ई बाय सी भी हम लिख रहे हैं, ये कैसे लिखेंगे, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होता है, मास एनर्जी रिलेशन जो इसी इसी में तो नहीं, हाँ इसी में पढ़ेंगे और साथ में एटम में भी पढ़ रहे होंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे, एटम में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर में, तो
तो यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, तो मतलब E बाय अगर मैं C कर दूँ तो यहाँ पे एम सी हो जाएगा, तो ये जो है ये क्या है मोमेंटम, तो इट इज़ P E बाय C बन जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। मास एनर्जी रिलेशन वो मैंने आप लोगों को बता ही दी है क्या होती है, कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होता है, C की वैल्यू और E को क्या लिख सकते हैं H फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन को यूज़ करके ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन निकाल सकते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी 7th पॉइंट के अंदर। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 8th पे, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सिंपल सी बात है कि फोटोन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज, मतलब एक तरह से क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं बेटा, क्या होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं फोटोन। आगे अगर हम बात करें इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन, मतलब अगर एक फोटोन और पार्टिकल का कोलिजन हो रहा है, अगर फोटोन किसी एक पार्टिकल के साथ कोलाइड कर रहा है, ठीक है, फोटोन पार्टिकल कोलिजन, द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी और मोमेंटम वो कंजर्व्ड रहेंगे, मतलब वो चेंज नहीं होंगे, मतलब टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इनिशियल और आउट जो आ रहे, जैसे वो होता है ना रिएक्शन के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना और प्लस ये, सॉरी ये दोनों हमारे पास क्या है हमारे, सॉरी प्रोडक्ट तो इधर बनेगा, मान लीजिए ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, इसका मास 10 ग्राम है, इसका 20 ग्राम है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, लेकिन ये 15 ग्राम 15 ग्राम के कुछ अलग अलग मास को बना लेता है, तो मतलब इस तरीके से टोटल को बोल सकते हैं कि वो सेम ही रहने वाला है, कंजर्व्ड रहने वाला है। लेकिन ध्यान से सुनना आगे क्या बोला है, हाउ एवर द नंबर ऑफ फोटोन मे नॉट बी कंजर्व्ड। मतलब 10 फोटोन अगर टकरा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 वापिस आ जाएंगे, क्या पता वो सारे के सारे जिस चीज के साथ टकरा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए, या सारे के सारे वापिस भी आ सकते हैं, या कुछ वापिस आ सकते हैं, तो ये चीजें होंगी। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि जो नंबर ऑफ फोटोन है वो कंजर्व्ड नहीं होंगे, द फोटोन मे बी एब्जॉर्ब्ड और ए न्यू फोटोन मे बी क्रिएटेड। मतलब ये भी बात है कि या तो फोटोन सारे के सारे एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे और या फिर नया फोटोन भी निकल के आ सकता है, बन सकते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी ये चीजें। नेक्स्ट है कि जो एनर्जी होती है, फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब देखो फोटोन की एनर्जी हमने दी इज इक्वल टू एच फ्रिक्वेंसी से, ये बोली थी हमने, यस इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से सुनना, अब इस फ्रीक्वेंसी में कहीं आप लोगों को इंटेंसिटी दिख रही है, नहीं, तो इंटेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता, नहीं डिपेंड कर रहा, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसको इंडिपेंडेंट होता है। चलो नेक्स्ट है जो सारी चीज का खेल है, मतलब सारा खेल इसी के ऊपर होने वाला है, तो ये क्या है बेटा, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है सुनना ध्यान से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा कि एक फोटोन होगा, ठीक है, मैं सिंपल भाषा में तो मैं समझा देता हूँ, फोटोन होगा जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसी एक मेटल सरफेस पे टकरा रहा होगा, किसी एक मेटल सरफेस पे टकरा रहा होगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये टकराया मेटल सरफेस से, तो ये मेटल सरफेस से क्या निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अच्छा सुनो, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे पहले ये पढ़ लेते हैं कि एमिशन जो होता है वो कितने तरीके का होता है। देखो जो एमिशन होगा, किसका एमिशन करा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन का करा रहे हैं, तो एक तो टेम्परेचर से हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन का मतलब क्या होता है कि, चलो मैं एक बार नाम लिख दूँ सबके फिर तो मैं समझा देता हूँ, एक थर्मियोनिक एमिशन, एक फील्ड एमिशन, और एक होता है सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन, और एक होता आप लोगों के पास क्या चौथा जो अभी हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी आई होप, ठीक है। चलो अब सुनो, जो थर्मियोनिक एमिशन है उसमें होगा कि किसी मेटल को बहुत ज़्यादा हीट कर दिया और उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल गया। फील्ड एमिशन का मतलब क्या है कि हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
मेटल पीस को रखा और उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हुए और सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। सेकेंडरी एमिशन का मतलब होता है, सेकेंडरी का मतलब दूसरा, तो इसका मतलब पहले हम पार्टिकल को स्ट्राइक करा रहे हैं उसके ऊपर, पहले पार्टिकल को स्ट्राइक करा रहे हैं, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करा रहे हैं, तब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, इसमें हम फोटोन को फॉल करा रहे हैं, इसमें हम क्या करा रहे हैं, फोटोन को फॉल करा रहे हैं और उस फोटोन से क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिंपल सा। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन पढ़नी है या नहीं पढ़नी है वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो पढ़ लेते हैं, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से। एल्कली मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी हैं, शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट। मेटल लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम रिस्पॉन्ड टू यूवी लाइट। मतलब ये अलग अलग तुम्हें बता दिया गया है कि ये मेटल जो हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती हैं कब, विजिबल लाइट के साथ, और ये किसको रिस्पॉन्ड करती हैं, यूवी लाइट को। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को हंसाने के लिए डाला गया है मीम, ठीक है। चलो, तो भाई हमें अब करना क्या है, हमें पढ़नी है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं इस थ्योरी पे जाने की बजाय, हाँ जी, मैं इस पूरी थ्योरी पे जाने की बजाय मैं आप लोगों को ये डायग्राम थोड़ा सा समझाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे हमने क्या ली, एक एवोकेटेड ग्लास ट्यूब ली। ये क्या है, एक एवोकेटेड ग्लास ट्यूब है, और इसमें यहाँ पे हमने क्वार्ट्ज विंडो लगाई, ठीक है। क्वार्ट्ज विंडो क्यों लगाई, क्योंकि बेटा जो ये सोर्स है, ये जो सोर्स है, ये यूवी लाइट हमें चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यूवी लाइट चाहिए। तो क्वार्ट्ज विंडो क्या करती है, ओनली अलाउ करती है किसको, यूवी लाइट्स को। तुम्हें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि क्वार्ट्ज विंडो क्यों यूज करते हैं, तो तुम बोलोगे कि जो सोर्स है उससे यूवी लाइट्स आएंगी, मतलब हमें यूवी लाइट्स का यूज चाहिए, यूवी लाइट ही चाहिए होती है, तो इसलिए क्वार्ट्ज विंडो सिर्फ यूवी लाइट्स को ही एंटर होने देती है, उनको ही अलाउ करती है। अब होगा क्या कि यहां से लाइट आएगी, मतलब लाइट का मतलब कि लाइट के अंदर कौन होते हैं, फोटोन आएंगे, हाँ जी, कौन आएंगे, फोटोन आएंगे। तो जैसे यहाँ से फोटोन आए, इसके ऊपर फोटोन फॉल हो गया, यस और नो, तो यहाँ से कौन निकला, अच्छा ये कौन है, ये कौन है, ये भाई साहब एक मेटल प्लेट है, ये कौन है, मेटल प्लेट है, ठीक है, मेटल प्लेट, ओके। अब जब यहाँ से इस सोर्स से लाइट आई, मतलब फोटोन आया, इस पर फॉल करा, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अच्छा, एक सिंपल सी बात मैं तुम्हें बता दूं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो 1-to-1 प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है ये, 1-to-1 प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वन फोटोन क्या करेगा, वन इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वन फोटोन इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अगर एक फोटोन कर रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा, फिर आपने एक और फोटोन फॉल कराया, फिर एक और, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इस ट्यूब में इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होकर क्या करेंगे, रैंडम मोशन में होंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन जो निकल चुके हैं इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इन फोटो इलेक्ट्रॉन को हम मूव करवाते हैं किसकी हेल्प से, इस बैटरी की हेल्प से, इस बैटरी की हेल्प से, और जिसकी वजह से क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। सुनो ध्यान से, फोटोन आए, मेटल सरफेस पे फॉल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से क्या बन जाता है, करंट बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। और करंट हमें किस रूप में दिखाई देगा, मतलब किस फेस में दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देगा बेटा एक ग्लो, ग्लो के रूप में, लाइट ग्लो के रूप में, मतलब यहाँ पे ये इसके अंदर एक ग्लो आ जाएगा ट्यूब के अंदर। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मैंने सारा कुछ यहाँ पे बताया है, लेकिन सुनो ध्यान से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये नहीं है कि लाइट फेंकी और हो गया भाई काम, नहीं। तो ध्यान से सुनना एक बहुत ही प्यारी सी चीज, व्हेन ए लाइट ऑफ सफिशियंटली हाई फ्रिक्वेंसी फॉल्स ऑन एमिटिंग इलेक्ट्रोड, फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लाइट हम फॉल करवा रहे हैं, हाँ जी, जो लाइट हम फॉल करा रहे हैं, मतलब जो फोटोन फॉल करा रहे हैं, वो एक क्या होना चाहिए, सफिशियंट, या फिर आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर
फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि मान लो फ्रीक्वेंसी अभी 10 है, आपने फोटोन फेंका नहीं निकला इलेक्ट्रॉन, फिर आपने फ्रीक्वेंसी 15 करी फिर नहीं निकला, 20 करी फिर इलेक्ट्रॉन निकला, तो मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एमिशन होगा। तो इसका मतलब उस फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई भी एमिशन नहीं होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे होंगे। अच्छा, जो यहाँ पे करंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही है ये चीज़ें? समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें ये बोला कि इट इज़ ए 1-to-1 प्रोसेस और 1 फोटोन इज 1 इलेक्ट्रॉन, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन और जितना इलेक्ट्रॉन उतना करंट। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी है, हाँ जी, इसका मतलब जो इंटेंसिटी है किसकी? ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मतलब जो लाइट हम फॉल करा रहे हैं उसके अंदर जो फोटोन आने की इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोटो करंट के। सिंपल सी बात है। तो यहीं से हमें एक एक्सपेरिमेंट तो पता लग जाता है, वो कौन सा है? देखो ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये वाला एक ग्राफ है। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, हमने एक ग्राफ बनाया फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में। मतलब जितनी हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब बढ़ाने का मतलब फोटोन बढ़ रहे हैं, फोटोन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो करंट बन रहा है। तो इसलिए ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। मैंने सारी चीज़ें बोल दी हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1-to-1 प्रोसेस और 1 फोटोन इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात, ठीक है। अगर कोई तुम्हें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो सिंपल सी एक ट्रिक यहाँ पे याद कर लेना, ट्रिक नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इंटेंसिटी ऑफ फोटोन को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अभी सुनो भाई, यहाँ पर हम एक पोटेंशियल पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्या होती है रिटार्डिंग पोटेंशियल? इस रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन तुम्हें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में समझ में आएगी, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर समझ में आएगी। तो मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ, ठीक है। देखो, जो थ्योरी है वो तुम्हें पढ़ लेनी है, लेकिन मैं समझाने पर जोर दे रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से समझ लो बेटा। अभी हमने पिछले एक पोर्शन पे एक ट्यूब देखी थी, उस ट्यूब को मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे। और मैं सिर्फ अभी के लिए बैटरी वोल्टेज लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? बैटरी और वोल्टेज लगा रहा हूँ, मतलब बैटरी या वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से फोटोन आ रहा था बेटा, इतना तो समझा, इलेक्ट्रॉन निकला चल पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकला और चल पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकला और चल पड़ा, भाई इतना ही था ना। चलो, तो अभी हो क्या रहा था कि मान लो जो ये वी है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या क्या है? अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल हम लगा रहे हैं, मतलब ये जो पोटेंशियल है, ये जो हम लगा रहे हैं, इसका क्या फर्क पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर? क्योंकि करंट किससे बन रहा है? फोटो करंट से बन रहा है ना, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। तो ये वोल्टेज जो हम बाहर लगा रहे हैं, एक बार यहाँ पे भी देख लो कि यहाँ पे जो ये वोल्टेज लगा रहे हैं, इसका क्या फर्क है? अभी सुनना, बहुत बढ़िया फर्क है इसका। मान लो ये हमने जीरो कर दी, मतलब ये अभी के लिए हमने नहीं लगाई, तो आप लोग देखो एक चीज़ क्या कि जब यहाँ पे आपने वी जीरो कर दिया है तो फोटोन आ रहे हैं, फोटोन तो आएंगे ही, चाहे वी जीरो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, कि फोटोन आएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेंगे, अब वो इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। ये ऐसा हो गया जैसे किसी क्लास के अंदर बच्चे हैं और टीचर नहीं है, मतलब बिना टीचर की वो क्लास है, तो उसमें क्या होगा? रैंडम मोशन होगा, कोई अपनी मर्जी से कुछ कर रहा होगा, कोई कहाँ घूम रहा होगा, कोई किसी कॉर्नर में खड़ा होगा, वही काम हो रहा होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब ये है कि जब पोटेंशियल जीरो है तब भी कोई ना कोई फोटो करंट हमें मिलेगा, मतलब वो जीरो नहीं होगा। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल के बीच में और फोटो करंट के बीच में, तो जो ग्राफ है, हाँ जी, तो जो ग्राफ है वो कहाँ से शुरू होगा? वो ग्राफ शुरू होगा कुछ ना कुछ हाइट से। क्यों कुछ ना कुछ हाइट से? इसलिए क्योंकि भाई वी जीरो पे भी फोटो करंट जीरो नहीं है, क्योंकि रैंडम मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं दूसरी साइड पे, समझ में आया? तो इसलिए ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर अब अगर मैं वी को पॉजिटिव कर दूँ, हाँ जी, अगर अब मैं वी को पॉजिटिव कर दूँ तो क्या होगा? सुनना ध्यान से, अगर मैं V को पॉजिटिव कर दूं तो क्या होगा?
भाई अब जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप ज़्यादा खींच सकते हो, पहले मान लो चार पांच आ रहे थे तो अब क्या होगा वो ज़्यादा खींच सकते हो। मान लो आपने वी को अभी 5 वोल्ट कर दिया, मतलब पॉजिटिव में बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो क्या होगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं दूसरी साइड में, तो आपका करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ ये थोड़ा सा ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था कि यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऊपर, और जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे दूसरी साइड में तो ये उसके बाद क्या होगा, आप कितनी भी वोल्टेज को बढ़ा देना, आप कितनी भी वोल्टेज को बढ़ाते रहना, करंट आपका सैचुरेट हो चुका होगा, मतलब करंट में अब कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे पहुंच चुके हैं दूसरी साइड में, तो इस टाइम जो करंट मिलता है हमें वो मिलता है सैचुरेशन करंट। कौन सा करंट मिलता है? सैचुरेशन करंट मिलता है। हाँ जी, कौन सा करंट मिलता है बेटा जी? सैचुरेशन करंट मिलता है। इतना पोर्शन आई होप समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अब बात हुई ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल की, अगर मैं नेगेटिव कर दूं, हाँ जी, अगर मैं नेगेटिव कर दूं, मान लो मैंने वोल्टेज को नेगेटिव कर दिया, वोल्टेज को नेगेटिव कर दिया तो क्या होगा भाई? सुनना ध्यान से, ठीक है, सुनना ध्यान से। अब क्या होगा कि जैसे ही अगर मैंने इनको नेगेटिव कर दिया तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन जो यहां जा रहे थे, सुनना ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं इधर की साइड, अब वहां पे इस प्लेट के ऊपर भी अब मैंने किसको अप्लाई कर दिया भाई? नेगेटिव वोल्टेज को अप्लाई कर दिया, तो मतलब नेगेटिव नेगेटिव को तो रिपेल करेगा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि एकदम से सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। नहीं, क्या होगा, आपने प्लेट पे क्या करा, मान लो आपने इस प्लेट पे नेगेटिव अप्लाई कर दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जिन पे क्या नेगेटिव है, तो मान लो अगर 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, क्या पता उन 100 में से 50 तो पहुंच जाए उधर, 50 वहां पे पहुंच जाए। क्यों पहुंच जाएंगे? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए वो 50 पहुंच जाएंगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, और नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, और नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाओगे। देखो इधर वोल्टेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह और इधर नेगेटिव, मान लो मैंने पहले इतनी वोल्टेज करी तो 50 इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच रहे हैं, तो करंट थोड़ा सा घट गया ना, क्योंकि 50 ही पहुंच रहे हैं। फिर मैंने और बढ़ाई तो और कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम पहुंचे, फिर मैंने और बढ़ा दी भाई, और बढ़ा दी, तो ये और कम हो गए, क्योंकि और कम इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच रहे। और एक टाइम ऐसा आया मैंने इतनी वोल्टेज कर दी नेगेटिव में कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड में नहीं पहुंच पाया, दूसरी साइड मतलब इन द सेंस इधर नहीं पहुंच पाया, इस साइड नहीं पहुंच पाया। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंच पा रहे तो करंट नहीं बनेगा, यस बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसलिए इस पोटेंशियल पे आके करंट हो जाता है जीरो, मतलब जो फोटो करंट है जिसको आईपी लिख सकते हो वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जिस पोटेंशियल पे फोटो करंट जीरो हो जाता है उस पोटेंशियल को बोला जाता है रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं अगर पहले आप लोगों को डेफिनेशन समझा देता तो तुम्हें समझ में नहीं आता। समझ में आई? ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल समझा और एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी समझा था। क्या समझा था? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी समझा था। ठीक है, क्या हो रहा है, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा? हाँ जी, क्या समझा था? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी समझा था। ठीक है, एक मिनट, इसको पेंसिल को साफ करना होगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लियर? तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या थी कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट विच एमिशन, द फ्रीक्वेंसी एट विच एमिशन स्टार्ट्स, या फिर बिलो विच देर इज नो एमिशन, और बिलो विच there is no emission, below which there is no emission, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो, तो दो एक्सपेरिमेंट कर लिए, एक तो क्या पढ़ा कि इंटेंसिटी का फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दूसरा हमने पढ़ा कि पोटेंशियल का क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने इंटेंसिटी को फिक्स कर रखा था, अगर मैं इंटेंसिटी और बढ़ाऊँ तो क्या होगा, तो ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है तो इसका मतलब जो करंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, वो क्या है कि जो इन सब का, अगर मैं इंटेंसिटी कितनी भी कर लूं, इन सब का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल, इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल कौन सी? स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब इंटेंसिटी हम कितनी भी बढ़ा ले
बट उसका पोटेंशियल से कोई भी लेना देना नहीं है। समझ में आ गया होगा है आई होप। और जिनको कोई भी दिक्कत आ रही है बेटा, या मतलब किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है या इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकता है, ठीक है। एंड कोई बच्चा ये बोलता है ना कि मेरा तो मेहनत करने का मन नहीं कर रहा या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बेटा मैंने पहले बोला है तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उससे डबल मेहनत करके मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ टाइम टू टाइम। सिर्फ ये देखो कि मैं तुम्हें फ्री क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे भले के लिए, कि तुम्हारा अच्छा एग्जाम हो जाए, 35 out of 35 आ जाए, ठीक है। चलो, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, या मतलब बार बार मैं तुम्हें लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इफेक्ट जो आएगा वो आएगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब ग्राफ वही होगा पिछले वाला ही, कि इधर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इधर नेगेटिव पोटेंशियल होगा और इधर फोटो करंट होगा। लेकिन अब हम किस बारे में बात करेंगे, अब हम बात ये करेंगे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, चेंज इन द सेंस हम क्या बोल सकते हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो क्या होता है। अच्छा, मैं तुम्हें सबसे पहले ये बता दूं कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर, हाँ जी, इंटेंसिटी क्या है, नंबर है, संख्या है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, रिपीटिशन है भाई, हाँ जी, वो क्या है, रिपीटिशन है, रिपीटिशन ऑफ ए वर्क इन ए पर्टिकुलर टाइम। वैसे तो एक सेकंड हम मानते हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ ए वर्क इन ए पर्टिकुलर टाइम, ये भी समझ में आ गया होगा आई होप। इंटेंसिटी क्या है, नंबर है। मतलब ध्यान से सुनो, ये ग्राफ अगर तुम्हें समझना है ना, तो एक चीज़ ध्यान से सुनो, इंटेंसिटी मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या। अगर मैं फोटोन बढ़ा रहा हूँ तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो करंट बन रहा है, ये भी सही है। चलो दूसरी बात अब क्या होगा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूँ, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो, मान लो एक सेकंड में कोई काम हो रहा था, मतलब कोई डोर है और उस डोर में से एक बंदा एक सेकंड में या दो मिनट में या पाँच मिनट में, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम आप मान सकते हो, उस डोर में से वो 10 बार आ रहा है, और एक बंदा उसी डोर से एक पर्टिकुलर टाइम में 30 बार आ गया, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हुई भाई, जो 30 बार आ रहा है, मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि उसकी जो वर्क करने की जो रेट है वो बार बार ज़्यादा है, मतलब बार बार तो नहीं बोल सकते, मतलब वो ज़्यादा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी जो भी है वो रख ली। अब सुनो ध्यान से, वही ट्यूब को हम यूज़ कर रहे हैं, वही ट्यूब को यूज़ कर रहे हैं बेटा। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना, तो पूरा चैप्टर ख़त्म है, बस ये देख लेना, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है, हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, हम बाद में इसको देख लेंगे। अब सुनो ध्यान से, मान लो यहाँ से फोटोन आया और वी जीरो है, तो आप सब पक्का पता है, आपको पता है कि करंट कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, ये तो बात हमने पढ़ ली है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव में बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए जो करंट है वो ऊपर बढ़ता जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करंट सेचूरेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पहुँच रहे होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे दूसरी साइड में पहुँच गए होंगे, ठीक है। अब अगर सुनना ध्यान से भी, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि नेगेटिव में वोल्टेज लगाऊँ, तो ये भी पता आप लोगों को कि ये घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनना फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, फ़र्क यहाँ पे आ रहा है। देखो, यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है, एक ही पॉइंट है भाई, ये देखो एक ही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट है, एक ये और एक ये, ऐसा क्यों। मान लो आपने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करी और ये स्टॉप हो गया करंट, ठीक है। अब क्या था कि एक सेकंड में, मतलब क्या है कि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 बार आ रहे थे, तो बैटरी उनको रोकने में मतलब सक्षम थी, कैपेबल थी उतनी, तो रोक पा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि बैटरी क्या कर रही है, एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन वो 6 बार आ रहे हैं, तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा नेगेटिव में, भाग भाई तू, भाग यहाँ से निकल। फिर क्या हुआ कि और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, रिपीटिशन, कि उसी टाइम में मतलब वही सेकंड में रिपीटिशन ज़्यादा हो रहा है,
अब वही कि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन बार बार आ रहे हैं, और कितनी बार आ रहे हैं, 10 बार आ रहे हैं, धड़ धड़ धड़। फिर से क्या हो रहा है, फिर से जो आपकी बैटरी है उसको नेगेटिव में और वोल्टेज बढ़ानी होगी। तो दैट्स वाई जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो डिफरेंट है हर एक फ्रिक्वेंसी के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरीके से स्टॉपिंग पोटेंशियल के। नहीं समझ में आई, ध्यान से सुनो। मान लो आपकी लड़ाई बच गई भाई किसी के साथ, ठीक है, और वो है 10 बंदे, तो वो एक बार में तुम्हें एक बंदा मारने आ रहा है, तो तू एक बार में मार देगा भाई डिशुम डिशुम करके, ठीक है। फिर दूसरी बार में मतलब अगले एक सेकंड में 2 बंदे तुझे मारने आ रहे हैं, फिर तेरे को क्या करना पड़ेगा, उनको हटाने के लिए और ताकत लगानी पड़ेगी, समझ आ रही है, ठीक है। फिर 3 बंदे आ रहे हैं, मतलब एक सेकंड में 3 बंदे तुम्हें, मतलब एक टाइम पे 3 बंदे आ रहे हैं, फिर तेरे को और नेगेटिव होना पड़ेगा। वही काम यहाँ पे है, मतलब बैटरी को, मतलब जितनी बार फ्रिक्वेंसी, मतलब क्या हुआ सुनो ध्यान से भाई, मान लो लड़ाई बच गई है, एक सेकंड में एक ही बंदा आ रहा था, ठीक है, अब उसी एक सेकंड में आपने एक बंदा मारा, फिर दूसरा भी आ गया उसी सेकंड पे तीसरा भी आ गया, मतलब एक ही सेकंड में 3 बंदे आप लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो आई होप समझ में आया है भाई, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो पता लग गया यहाँ पे कि फ्रिक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। इनका भी एक रिलेशन, इनका भी एक ग्राफ हम समझेंगे, तो वो ये रहा। देखो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। इतना तो हम करके आ चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो ग्राफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। कैसा ग्राफ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। कैसा ग्राफ होना चाहिए भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ मान लेते हैं कि हाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन आप देखो ग्राफ कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है स्टार्ट भाई, ये एक मेटल ए के लिए है और ये मेटल बी के लिए। तो मान लो 2 मटेरियल है, एक मटेरियल ये है और एक मटेरियल ये है, ये मटेरियल ए है और ये मटेरियल बी है। अब मैंने क्या किया भाई, इसके लिए फोटोन फॉल कराया, एमिशन नहीं हुआ, 10 फ्रीक्वेंसी दी, 20 दी, 25 दी, 35 पे जाके एमिशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 35 पे जाके एमिशन हो गया। अब दूसरे के लिए मैंने क्या किया, 15 दी, 25 दी, 35 दी, 40 पे जाके एमिशन हुआ उसमें। तो इसका मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी हमें नीड होगी, हर एक मटेरियल को अपने अकॉर्डिंग। मतलब यार सब कॉमन सी बात है कि मान लीजिए एक बच्चा है 8-10 साल का और एक बड़ा पर्सन है जैसे कि 30 साल का, तो उसकी डोज जो होगी खाने की वो ज़्यादा होगी, बच्चे की कम होगी। तो वही चीज़ है ना यहाँ पे भी, मतलब मेटल टू मेटल डिफर करेगा ये चीज़ कि किसका जो मतलब फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिशन वो कितना है, ठीक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जाके एमिशन हो रहा है, ये नहीं है कि आपने 0 फ्रिक्वेंसी दी भाई 0 पे थोड़ा होगा, नहीं होगा, कुछ और फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे फिर होगा। तो इसलिए ग्राफ थोड़ा आगे की तरफ यूज हो रहा है, ठीक है। चलो तो ये हुआ एक तरह से बेटा, आधे से ज्यादा आप लोगों का क्या, आधे से ज्यादा आप लोगों का चैप्टर पूरा। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसने क्या चीज शो करी, उसने ये चीज शो कर दी कि ये एज ए वेव काम कर रहा है। क्यों, क्यों देखो ना, आपने पार्टिकल दिए जो कि फोटोन थे और उनसे क्या बन रहे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से करंट, करंट इज मतलब लाइट बन रही है, ठीक है। तो पता लग गया कि वेव है, ओके। अब मतलब लाइट है, रेडिएशन है, जो भी आप बोलना चाहते हो। अब इसके बाद देखो इससे पहले कौन सी थ्योरी आई थी, इससे पहले वेव ऑप्टिक्स के अंदर वेव थ्योरी ऑफ लाइट हमने पढ़ी थी, हाइगन प्रिंसिपल, तो वो फेल हो गई इसके आगे। हाँ जी, किसके आगे फेल हो गई भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आगे फेल हो गई। क्यों हो गई फेल, देखो जो वेव थ्योरी थी उसने क्या बोला कि अगर हम इंटेंसिटी ग्रेटर कर देंगे, ग्रेटर आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हेंस ग्रेटर इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव, सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड मस्ट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, हाउएवर प्रैक्टिकली डज नॉट हैपन, सो इंडिपेंडेंस ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट कैन नॉट बी एक्सप्लेन यूजिंग वेव थ्योरी। अरे इन्होंने क्या बोला, सिंपल सी बात है, इन्होंने एक बात बोली, वेव थ्योरी ने क्या बोला, ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बढ़ाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है ग्रेटर इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव, इसका मतलब है वेव की एनर्जी बढ़ जाएगी, ओके। सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड मस्ट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। अरे भाई
फोटोन आए, फोटोन निकल गए, मतलब फोटोन आए मेटल के ऊपर फॉल कर रहे हैं, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वेव की एनर्जी पर डिपेंड कर रही है, मतलब इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। वेव थ्योरी ने ये बोला, अरे भाई उन पर थोड़ा डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या रिलेशन है, वो तो किस पर डिपेंड करेगी, तो जो वोल्टेज हम लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही है ना कि कितना वो मूव करेंगे, ठीक है। तो इस कारण ये फेल हो गई। दूसरी बात देखो, ऑल्सो वट एवर द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मे बी इंसिडेंट लाइट ऑफ लार्ज इंटेंसिटी ओवर ए सफिशियंट टाइम मस्ट बी एबल टू इम्पार्ट इनफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट दे कैन गेट आउट ऑफ द मेटल सरफेस सो ए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मस्ट नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे भी ये गलत बोल गए, क्या बोला इन्होंने दोबारा पढ़ते हैं। वट एवर द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब इन्होंने बोला फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। वेव थ्योरी ने ये बोला, अरे भाई हम यही तो पढ़ रहे हैं कि पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही एमिशन होगा, तो साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे ये फेल हो गए, ठीक है। आगे देखो, तीसरा देखो, फर्दर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी कॉन्टिन्यूसली ओवर द एंटायर वेव फ्रंट, मतलब इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है और यहाँ पे जो वेव फ्रंट आ रहा है, इस वेव फ्रंट से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, एंटायर वेव फ्रंट, पूरी वेव फ्रंट पे ऑफ द रेडिएशन। सो एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम बाय एन इलेक्ट्रॉन बिकम वेरी स्मॉल, मतलब इससे क्या होगा, ये कहना चाह रहा है कि जो वेव फ्रंट है वो लगातार इलेक्ट्रॉनों को क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, पूरे सरफेस पे एनर्जी दे रहा है। तो इसका मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एब्जॉर्ब करने का जो टाइम है वो बहुत कम है, स्मॉल है। सो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन में टेक क्विट लॉन्ग टाइम, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर वो थोड़ा थोड़ा टाइम लेके एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कर रहे हैं भाई, सबको एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है एनर्जी, तो ये कहना चाह रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, बाहर आने में। लेकिन आप लोगों को अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगेगी, कि प्रैक्टिकली वी फाउंड दैट देर इज नो टाइम लैग, कोई भी टाइम लैग नहीं होता बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे फेल हो गए कौन, हाइगन की वेव थ्योरी, समझ में आया। मतलब कहने का मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए इंस्टाटेनियस प्रोसेस, हाँ जी, कैसा प्रोसेस है ये, इंस्टाटेनियस प्रोसेस है, हाँ जी, ये कैसा प्रोसेस है, इंस्टाटेनियस प्रोसेस है। आई होप समझ में आया होगा ये सब, ठीक है। तो ये फेलियर थे भाई किसके, ये फेलियर थे आपके वेव थ्योरी ऑफ लाइट के, ठीक है। अब आती है बारी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ, छोटा सा एक अलग से हम पेज लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल है, ठीक है। इस मेटल को ना मान लो हम क्या कर रहे हैं, एक फोटोन दे रहे हैं, मान लो फोटोन आपने जब दिया तो इस फोटोन से क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, जिसको हम बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इसलिए बोलते हैं जो लाइट से डील करते हैं, मतलब लाइट की वजह से एमिशन हुआ ना इस इलेक्ट्रॉन का, तो इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से भाई, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिली होगी, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिली होगी या नहीं मिली होगी, बिल्कुल मिली होगी, ठीक है, चलो ये भी बात मान ली कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली होगी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, और क्या चीज़ है कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो बाहर आ गया, ठीक है, अच्छा। अब ध्यान से सुनना, अब फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, फोटोन की एनर्जी होती है भाई एच फ्रीक्वेंसी। अब ये थोड़ा है कि इलेक्ट्रॉन ने सारी एनर्जी ले ली होगी, नहीं, इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए उसने ले ली और वो आउट हो गया। तो इसका मतलब ये है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन या मिनिमम एनर्जी टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस is called as work function
वर्क फंक्शन, मतलब एनर्जी है बट उसका नाम हमने वर्क फंक्शन रख दिया है, कि इलेक्ट्रॉन ने जो एक मिनिमम एनर्जी यूज करी सरफेस से बाहर आने में, उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। हाँ जी, उसको क्या बोला जाता है? वर्क फंक्शन बोला जाता है। इतनी चीजें आई होप सबको समझ में आ रही होगी। सुनो ध्यान से कि मेटल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया? फोटोन फेंका, फोटोन से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन ने एक एनर्जी ली, तो वो जितनी एनर्जी ले रहा है ना, वो थोड़ी सी ले या थोड़ी और ज्यादा ले, जितनी भी एनर्जी ले, उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। हाँ जी, ये जो वर्क फंक्शन होगा ये किसका बोला जाएगा? मेटल का बोला जाएगा, जो मेटल हम यूज कर रहे होंगे जिस भी मटेरियल की। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब ये जो एनर्जी है ये किस तरीके से लिखी जाएगी? इसको हम लिख सकते हैं कि जो ये एनर्जी है ये किसके इक्वल होगी? एक तो वर्क फंक्शन के इक्वल होगी, W से लिख सकते हैं, या इसको हम किससे लिख सकते हैं? फाई से भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, फाई नोट से। ठीक है, अब बची हुई एनर्जी जो है वो किस में यूज होगी? बची हुई एनर्जी यूज होगी बेटा काइनेटिक एनर्जी में। किस में यूज होगी? काइनेटिक एनर्जी में यूज होगी। ठीक है, पता लगा? ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में, कि लाइट को जब हम इंसिडेंट करते हैं किसी मेटल सरफेस पे तो वो एब्जॉर्ब करती है, और जितनी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता एनर्जी वो वर्क फंक्शन कहलाता है, बचा हुआ जो होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्केयर हम लिख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की है, हाफ एम वी स्केयर को हम मैक्स लिख रहे हैं। क्यों मैक्स लिख रहे हैं? क्योंकि भाई जो उसकी स्पीड होगी ना, वो जो स्पीड होगी वो ज्यादा ही होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जितनी बची हुई एनर्जी वो सारी की सारी उसकी स्पीड में लग रही है, उसकी वेलोसिटी में लग रही है, तो इसलिए मैक्स लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहां से आप एच फ्रीक्वेंसी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स प्लस डब्ल्यू नॉट लिख सकते हैं। अच्छा, जो ये हमने वर्क फंक्शन लिखा, इसकी रिलेशन क्या होगी? तो वर्क फंक्शन है कौन भाई? वर्क फंक्शन है तो एनर्जी ना। यस, चलो एनर्जी है, तो एनर्जी को एच फ्रीक्वेंसी से लिखेंगे। लेकिन जब ई एच फ्रीक्वेंसी है तो ये एच फ्रीक्वेंसी, फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो उसने एक मिनिमम एनर्जी ली है, और मिनिमम एनर्जी का मतलब उसने कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी यूज करी होगी, तो इसको हम नॉट लिखेंगे। ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है, समझ में आया या नहीं आया? तो इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सुनो ध्यान से, एनर्जी ली थोड़ी सी, यस, वो एनर्जी कैसे लिखी जाएगी? एच फ्रीक्वेंसी नॉट से लिखी जाएगी। नॉट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एमिशन के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की नीड होगी। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे W को क्या लिख सकते हैं? एच फ्रीक्वेंसी नॉट, तो ये इधर आ जाएगा, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो दिस इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो आई होप सब कुछ समझ में आ रहा है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बेटा जी एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब कुछ लॉज हैं जो आप लोगों को याद कर लेने हैं। ठीक है, देखो इन्होंने लॉ क्या लिखा, PYQ में ये लॉ आए हुए हैं। एज सून एज एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ फोटोन इट सेट्स इटसेल्फ फ्री, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन हम फॉल करा रहे हैं उसकी एनर्जी को जब भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अपने आप को सेट कर लेता है फ्री होने के लिए। सो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एज लाइट फॉल ऑन द मेटल सर्फेस, मतलब तो एमिशन जो है वो झट से स्टार्ट हो जाता है जैसे ही लाइट फॉल करती है। ओके, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे एमिशन होता है या उससे नीचे एमिशन नहीं होता। एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन, कॉमन सी बात है। मान लो इस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एमिशन हो रहा है, और इससे अगर मैं एनर्जी लिखूं तो आप ऐसे लिखोगे एच फ्रीक्वेंसी नॉट, और यही कौन कहलाएगा? हमारा वर्क फंक्शन कहलाएगा। अगर इससे एनर्जी कम होगी ना तो एमिशन नहीं होगा, तो वही बात इन्होंने बोल दी। ठीक है, लेस देन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन, सो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज अबव, या तो उससे ऊपर हो या उसके इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ भी बना रखा, और ये ग्राफ किससे बन जाता है? इस इक्वेशन से बन जाता है भाई। किस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से बन जाता है। ठीक है, तो एक बार इस ग्राफ को भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने ये लिख देता हूँ, वो इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट लिख दे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट। अब हमें एक रिलेशन पता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जहां से ये ग्राफ शुरू हुआ है,
तो उसका मतलब वो इसकी क्या है, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, जिसको हमने फ्रिक्वेंसी नोट लिखा। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे कोई ना कोई दूसरी कोई और स्टॉपिंग पोटेंशियल लूँ, तो इसका मतलब है यहाँ पे आप एक और पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिख सकते हो, जिसको हमने फ्रिक्वेंसी नाम दिया। ठीक है, और अगर नेगेटिव में जाओ तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से इसका स्लोप निकालूँ, इसका अगर मैं स्लोप निकालूँ, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन से निकालते हैं और उसमें वाई और एक्स आ जाता है। तो वाई कितना है, यहाँ तो डब्ल्यू नॉट है ना, तो वी नॉट है, तो वी नॉट नीचे फ्रिक्वेंसी माइनस फ्रिक्वेंसी नॉट होगा, फ्रिक्वेंसी माइनस फ्रिक्वेंसी नॉट होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है जी, अब वी नॉट जो होता है उसको कैसे लिख सकते हैं भाई, उसको चार्ज इंटू वी नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हमने ई वी नॉट लिखा। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया अभी समझ में, बताइए जल्दी से। और नीचे आपका क्या है, फ्रिक्वेंसी माइनस फ्रिक्वेंसी नॉट है, क्लियर, फ्रिक्वेंसी माइनस फ्रिक्वेंसी नॉट है। ओके, अब सुनो ध्यान से, अब क्या होगा, अब सुनो ध्यान से, अब जो ई वी नॉट है वो किसके बराबर है भाई, देखो ई वी नॉट का मतलब है कि ये बैटरी की, जो बैटरी हम लगा रहे हैं उसकी एक तरह से पोटेंशियल, और वो अगर फोटॉन्स को मिल रही है तो वो किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो इसको मैं मी मैक्स लिख सकता हूँ या वी नॉट लिख सकता हूँ, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको ये ऐसे लिख दिया, क्लियर है भाई या नहीं है बताओ फटाफट से, या कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो आप लोग बता सकते हैं मुझे, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो हमने ये लिखा, और इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, ये किसके बराबर होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं, ये किसके बराबर होता है भाई, इसके बराबर होता है, तो H फ्रिक्वेंसी माइनस फ्रिक्वेंसी नॉट और E फ्रिक्वेंसी माइनस फ्रिक्वेंसी नॉट हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए फटाफट से। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये E कैसे आया, ये E ऐसे आ गया, सुनो ये E ऐसे आ गया, यहाँ पे कौन है, वी नॉट, नीचे फ्रिक्वेंसी माइनस फ्रिक्वेंसी नॉट, तो मैंने ई ऊपर मल्टीप्लाई किया और ई नीचे मल्टीप्लाई कर, दोनों से जंग बराबर हो गया ना। ठीक है, चलो तो देखो, वैसे भी इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम देखें और इसमें से हम सारी चीज़ों की वैल्यूज़ को अगर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, H बाई ई आ रहा है। तो ये H बाई हमें यहाँ पे मिल रहा है, H बाई ई हमें यहाँ पे मिल रहा है एक तरह से। ठीक है, वो नेगेटिव में है तो नेगेटिव हम यूज कर लेंगे। ओके, तो वो सारी चीज़ें हमें बता दी गई है कि ये क्या है इसका इंटरसेप्ट, ये क्या है इसका इंटरसेप्ट, हाउ आर द इंटरसेप्ट ऑफ दिस कर्व ऑन द पोटेंशियल एक्सिस इज माइनस ओ ए, कि माइनस में होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक बार पढ़ लेना, जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट इन्होंने बोला बट इफ द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसके बीच में फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फ्रिक्वेंसी के बीच में करें, देन द स्लोप ऑफ ग्राफ इज कितना होगा, माइनस एच फ्रिक्वेंसी नॉट होगा। याद रखना है ये कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में और फ्रिक्वेंसी के बीच में, तो स्लोप होगा दिस। यहाँ पे ग्राफ किस किस के बीच में था, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी के बीच में। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के बीच में करूँ, किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में करूँ और किसके बीच में करूँ, फ्रिक्वेंसी के बीच में, तो स्लोप ये होगा। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब सुनो भी आगे क्या है, आगे है कि जैसे एनर्जी जो होती है, एज एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, एज एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, देखो ध्यान से, ई क्या था, एच फ्रिक्वेंसी था। अगर फ्रिक्वेंसी एनर्जी ऑफ फोटोन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, एज एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड डिपेंड्स ओनली ऑन द एनर्जी ऑफ फोटोन और ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नहीं समझ में आया बेटा, यही तो पढ़ के आए हम पहले, सुनो ध्यान से, दोबारा से पढ़ो, क्या कहते हैं इस पॉइंट में, एज एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी, जो कि यहाँ पे दिख रहा आपको, ऑफ लाइट, सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड डिपेंड ओनली ऑन एनर्जी ऑफ फोटोन। सिंपल सी बात है कि जिस एनर्जी के साथ वो फॉल होंगे वही उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो डिपेंड कर रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी पे है तो हम फ्रिक्वेंसी पे भी बोल सकते हैं। चलो, अब ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली थी, एज द नंबर ऑफ फोटोन इन लाइट डिपेंड ऑन इट,
its intensity, and one photon liberate one photo electron. So number of photo electron emitted depend only on intensity of incident light. ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो इतना घबराने की या सोचने की बात नहीं आप लोगों को, ठीक है. नेक्स्ट आता आप लोगों के पास वेव नेचर ऑफ मैटर. मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा है वो लाइट के बारे में पढ़ा, रेडिएशन के बारे में पढ़ा, कि उसके दोगलेपन के बारे में पढ़ा. अब बात करेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में. ये इतना मुश्किल नहीं है हमारे कोर्स में. अब ये जो है बेटा अभी के लिए सिंपल है, मतलब जो इसका एक्सपेरिमेंट है वो कट है, मतलब इस सेशन के लिए जो अभी टर्म टू का एग्जाम होगा. नए में तो अभी ये शायद आ चुका है दोबारा से. तो भाई इसके लिए कौन आए? डी ब्रोगली आए. उन्होंने ये बात बोली कि जब लाइट एज ए पार्टिकल, लाइट एज ए वेव बिहेव कर रही है, तो जो मैटर है वो जब वो क्यों ना एज ए वेव बिहेव कर सकता. मतलब उन्होंने ये बात बोल दी कि जब मैटर है वो, जब ये पता है कि पार्टिकल से बनता है, तो मतलब वो एज ए पार्टिकल तो बिहेव कर रहा है, ओके, तो क्यों ना वो वेव की तरह भी बिहेव करे. तो ये किसने बात बोली भाई? ये भाई साहब हैं हमारे, भाई साहब तो नहीं बोल सकते, हमसे बड़े हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं. तो डी ब्रोगली हाइपोथीसिस इन्होंने दिया, मतलब हाइपोथीसिस का मतलब इन्होंने बात बोली थी, इन्होंने ये बात बोली थी, तो इनको हम डी ब्रोय भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो लिविस डी ब्रोय, डी ब्रोगली, इन्होंने एक बात बोली लाइक रेडिएशन. हाँ जी, इन्होंने एक बात बोल दी कि लाइक रेडिएशन की तरह, मतलब रेडिएशन की तरह मैटर टू शुड हैव ड्यूल नेचर, कि मैटर के पास भी ड्यूल नेचर होना चाहिए. दैट इज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैन हैव पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. समझे? सुनो ध्यान से, दोबारा से सुनो. इन्होंने बोला कि जैसे रेडिएशन है वैसे ही मैटर के पास भी दो रूप होने चाहिए. द पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनको क्या शो करना चाहिए? वेव नेचर शो करना चाहिए. मतलब इन्होंने ये बात बोल दी कि जो ये टेबल है, ये जो चेयर है, ये जो आईपैड की पेंसिल है, एप्पल पेंसिल, ये जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे पास हैं, डिजिटल बोर्ड है, ये सब रेडिएशन देंगे, मतलब इनसे वेव निकलेंगी. ये बात इन्होंने बोली, ठीक है. और इन्होंने बोला कि जो ये वेव निकलेंगी, उनकी जो वेव होगी और उसका जो रिलेशन होगा, मतलब उसकी जो वेव लेंथ होगी, वो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी से दी जाएगी. पी इज व्हाट? पी इज द मोमेंटम. हाँ जी, व्हाट इज पी? पी इज व्हाट? पी इज मोमेंटम. ये क्या है? मोमेंटम. एंड मोमेंटम इज व्हाट? मास इंटू वेलोसिटी है. क्या है? मास इंटू वेलोसिटी है, ठीक है. और ये इन्होंने क्यों, मतलब ऐसा क्यों बोला? इन्होंने सिंपल रीजन दिया, ही रीजन दैट नेचर वॉज सिमेट्रिकल एंड दैट टू बेसिक फिजिकल एंटिटीज मैटर एंड एनर्जी मस्ट हैव सिमेट्रिकल करेक्टर. मतलब इन्होंने सिमेट्री, भाई अगर ये ऐसा है तो ये भी ऐसा हो सकता है, ये बात इन्होंने बोली. और इसकी, मतलब इसकी नहीं, इनकी इस बात के ऊपर इन्हें नोबेल प्राइज मिला. नोबेल पुरस्कार बोलते ना, वो मिले इनको. नोबेल मिला ना, शायद नोबल ही मिला था, ठीक है. एक मिनट रुकिए. नोबेल ही मिला था, यस. चलो अगर मेरी हिस्ट्री खराब हुई तो इस बारे में कोई ध्यान मत देना, ठीक है. चलो, तो लैम्डा पता लग गया ना, कि मतलब इन्होंने बोला कि जो मैटर से वेव निकलनी चाहिए और मैटर से जो वेव निकलेगी उसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होनी चाहिए. तो क्वेश्चन ये हुआ कि जब इन्होंने ये बात बोल दी कि भाई मैटर से वेव निकलनी चाहिए, तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, ये क्या ये वेव निकालती हैं? अगर निकालती है तो फिर भाई हमें क्यों नहीं दिख रही? तो इसके लिए एक एग्जांपल लिया गया, ध्यान से सुनना. जैसे कि हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है वो होता है एच फ्रिक्वेंसी बाय लैम्डा. सॉरी, लैम्डा नहीं है, सी है, ठीक है. तो मतलब H अपॉन P जो है, एक तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इसी को अगर घुमा के देखें तो हम लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, H अपॉन P. हाँ, P आ गया है और यहाँ पे C और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, यस. तो C क्या होता है? फ्रिक्वेंसी लैम्डा होता है. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? फ्रिक्वेंसी लैम्डा, नीचे फ्रिक्वेंसी कट गया, मतलब लैम्डा जो हो गया वो H बाई पी आ गया. तो रिलेशन तो आप सिंपल बना सकते हो, ठीक है. अब यहाँ पे बात ये हुई कि बाकी जो मैटर्स हैं क्या वो निकाल रहे हैं वेव, वो चीज़ हमें देखनी है. तो देख लेते हैं एक बार, सुनो. लैम्डा जो है वो स्मॉलर है,
किसके लिए? हैवियर पार्टिकल के लिए इन्होंने ये बात बोली। इसके लिए एक एग्जांपल लिया, इन्होंने एक बॉल ली जिसका मास था 0.12 किलोग्राम, मतलब 0.12 किलोग्राम भाई कितना लगाते हो, मतलब पॉइंट एक तरह से किलोग्राम है ना, रुको आप इसको ना ग्राम में बना के देखो, 0.12 किलोग्राम है तो आप इसको बोलो 12000, मतलब इतना ग्राम है ये, ठीक है। तो मतलब 0.12 किलोग्राम की अगर बॉल है और उसको हम 20 मीटर पर सेकंड से फॉल कराते हैं किसी चीज के ऊपर, ठीक है, सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ बॉल ऑफ मास 0.12 किलोग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मतलब मेरे पास एक बॉल है और उसको मैंने मूव करवा दिया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, तो हम यहाँ पे लैम्डा निकालेंगे जो कि होगा एच अपॉन पी, एंड एच कौन है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, पी की वैल्यू, पी इज व्हाट, पी इज एम वी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, मास और वी दोनों दे रखा तुम्हें, तो जब तुम कैलकुलेट करते हो जो कि कितना मिलता है, (2.76×10⁻²⁴ मीटर। अरे भाई क्या ये कैलकुलेट हो सकता, मतलब ये क्या कैलकुलेट तो कर लिया, मतलब मेजर हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये मेजर नहीं हो सकता। दिस इज द रीजन व्हाई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन आवर डेली लाइफ डू नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टी, मतलब करते तो हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, समझे। चलो तो ये था आप लोगों के पास जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी उसके बारे में एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा हमें और बताना भी पड़ेगा, जैसे कि पार्टिकल जो होते हैं, मान लो मैं यही जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लिखना चाहूँ, किसके लिए लिखना चाहूँ भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लिखना चाहूँ तो क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास एम है और चार्ज ई है, जिसको हम एक्सेलरेट करा रहे हैं कहाँ से, रेस्ट से भाई, अभी वो रेस्ट पे है और उसको हम एक्सेलरेट करा रहे हैं किसी एक पोटेंशियल वी से, एक्सेलरेट करा रहे हैं। द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल्स द वर्क डन ऑन इट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो ध्यान से। मान लो आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आप लोगों ने क्या कराना है, एक्सेलरेट कराना है, तो आप इसके ऊपर एक काम करोगे तो आप लोगों को एक पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, यस, तो मतलब जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, वो वर्क डन होगा ई वी नॉट के बराबर होगा, और ये वर्क डन होने से ही तो वो एनर्जी हो रहा है ना, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, वी नॉट लिखो या वी लिखो वो आपकी मर्जी है। तो के को क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो हमने हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया। लेकिन पी की बात करें तो पी क्या होता है, एम वी होता है, अगर मैं यहाँ से v निकालूँ तो v क्या होगा, p बाय m होगा, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट कर दिया तो मेरे पास आया ये k की वैल्यू, मेरे पास ये आ गई है, और यहाँ से मुझे k नहीं चाहिए, मुझे p चाहिए, क्यों चाहिए p, क्योंकि लैम्डा तो h अपॉन p होता है ना, और मुझे वेवलेंथ किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की ही निकालनी है, तो भाई h तो कॉन्स्टेंट है, मुझे तो p चाहिए था, तो मैंने यहाँ से p निकाल लिया, और इस p की वैल्यू जो आई वो ये आ गई, जो K है, K इज द काइनेटिक एनर्जी जो कि EV होता है, इसलिए हम आप पे EV भी लिख रहे हैं, बस इसको पुट किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और P की वैल्यूज कितनी, √2mEV, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे H की वैल्यू रख दूँ, M की वैल्यू रख दूँ, E की वैल्यू रख दूँ, तो मेरे पास रिलेशन आ जाता है ये, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 नैनोमीटर अपॉन √V, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 नैनोमीटर अपॉन √V, मतलब जब मैं सारी चीजें पुट कर देता हूँ, ये नहीं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, सारी चीजें जब पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से समझो एक बार दोबारा से, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या भाई, वर्क करोगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने में, तो आप लोगों को वर्क डन कैसे लिखना पड़ेगा भाई, उसके ऊपर चार्ज के ऊपर पोटेंशियल जितना लगाना पड़ रहा है, और लगाने से वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो पोटेंशियल के इक्वल, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिख दिया, यस, काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और पी क्या होता है, एम वी होता है, वी निकाल लेंगे यहाँ से, तो पी बाय एम बन गया, और इस वी को यहाँ पे रखा, तो जब हमने यहाँ पे रख दिया तो पी एक साइड आ रहा है, के एक साइड आ रहा है, तो हमें पी चाहिए ना, क्यों चाहिए पी, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है भाई, सिंपल सी बात है, तो वो रखा, आंसर आ गया, ठीक है।
सो ये था आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं ये पढ़ लेना कि मैटर वेव जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होती हैं, मैटर वेव आर जो हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, मतलब ये दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, मैटर वेव जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होती हैं, दे एसोसिएट विद एनर्जी मूविंग पार्टिकल, मतलब ये इस तरीके की कुछ रिलेशंस हैं, मतलब ये इतना पूछी नहीं जाएंगे बट फिर भी पढ़ना सबने हैं इन चीज़ों को, ठीक है। लॉज मैंने तुम्हें करवा दिए थे बीच में, अभी यहाँ पे देखे मैंने लॉज करवा दिए थे, ये रे एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने करवा दिया तुम्हें, ठीक है। तो वन शॉट को ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, जितना डिटेल्ड में हो सकता वो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, सो डोंट वरी बेटा जी, ओके सब कुछ करवाया जा रहा है, ओके चलिए। सो अरे वाह ख़त्म भी हो गया ये तो, चलिए। तो लगभग 67 मिनट के अंदर हमने इस वन शॉट को ख़त्म कर दिया, चैप्टर भी उतना मुश्किल नहीं है, आसान चैप्टर है। अच्छा इसके बाद आप लोगों को एटम का वन शॉट मिलेगा, कोशिश करते हैं कि आज ही मिल जाए, लेट नाइट तक मिल जाए बट आज ही मिल जाए। चलिए आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में, सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।